मैं नरेश सिंगला सीए चीन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 35 ईयर से। मैं थोड़ा सा आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न जो भी फाइल हो रही हैं उसकी रिटर्न ने जो उसकी ड्यू डेट है एज़ पर इनकम टैक्स लॉ, रिटर्न फाइल करने की डेट जो जिनके ऑडिट्स होते हैं उनकी ड्यू डेट जो है वो 31 अक्टूबर है इन केस ऑफ कंपनीज एंड ऑडिट, जिनके ऑडिट्स होते हैं जिन फर्मों के, फर्म है या इंडिविजुअल कंसर्न है। और जो रिटर्न ने जिनका ऑडिट नहीं होता उनकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, ये दो डेट्स हैं। और सभी के लिए जो रिटर्न अगर लेट रिटर्न फाइल करते हैं उसकी 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है, उसके बाद रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर रिटर्न फाइल किसी ने भी करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर से, अदरवाइज रिटर्न फाइल नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, एक गवर्नमेंट ने अभी पीछे अमेंडमेंट कुछ किए है जिसमें आप पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हो। वो फॉर्म जो है वो ITR U है, दैट इज़ कॉल्ड ITR U। वो ITR U मतलब अपडेटेड के लिए है, यू मतलब वर्ड उसने अपडेटेड के यूज़ किया हुआ है। उसमें पिछले 2 साल की रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। तो जैसे अभी पीछे लास्ट 2021 का हो गया और 2019-20 का हो गया, 2 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपन। तो उसमें क्या रहेगा कि जो रिटर्न 2019-20 की है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, वो रिटर्न फाइल हो जाएगी। उसमें आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 50% उसकी है। और जो रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की है उसके लिए 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज करने के लिए ऐसे मतलब असेसिस को थोड़ी सी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। जो रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया है इंडिविजुअल की ड्यू डेट जो है 31 जुलाई है, और ऑडिट वाले केसेस की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। जो रिटर्न टाइम से नहीं फाइल कर पाएंगे उनकी पेनल्टी सेक्शन 234F के अंदर 5000 की है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है तो पेनल्टी है 1000 रुपीज़। तो ये इसमें इन केस ऑफ ऑडिट के ऑडिट केसेस में है, उसमें वो प्रिस्क्राइब की हुई है वो 1% ऑफ टर्नओवर के ऊपर है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा एक मैं आपको जो लेटेस्ट GST के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी जैसे GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, इसमें कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है जो आम पब्लिक के लिए शायद इतना यूज़फुल ना हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो बड़ी कंसर्न्स हैं या अच्छे बड़े सेसीज हैं, जो कोई कोरिट में गया हुआ है, कोई किसी ने हाई कोर्ट में केस कर रखा है, कहीं ने किसी ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट एक डिसीजन अभी आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जिन्होंने TRAN 1 एक जुलाई को भरना रह गया था, TRAN 1 फॉर्म ऐसा है जो किसी का भी क्रेडिट जो है इनपुट क्रेडिट 30 जून 2017 को पड़ा था, वो आगे 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 ले जाने के लिए उसने TRAN 1 भरना था तो भी उसको क्रेडिट मिलना था। तो लोगों ने कुछ कहीं को उधर रह गया वो भरना, और जिन्होंने भरा वो कहीं कोई टेक्निकल गलती की वजह से वो नहीं जा पाया, तो उसका इनपुट गवर्नमेंट ने उनको दिया नहीं, डिपार्टमेंट ने उनको। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि आप इसको दोबारा एक मौका दो सभी सेसीज को कि TRAN 1 दोबारा भरा जाए। तो उसकी जो ड्यू डेट है, उसकी जो ड्यू डेट अभी की है तो 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ये पोर्टल खोलेंगे जिसमें ये रिटर्न भरी जाएगी, जिसमें आप TRAN 1 भर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है, अब सभी के लिए ये जो भी है जो लिटिगेशन में लोग गए हुए हैं उनके लिए काम आएगा।